और केसरी देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ गीतांजलि साहब। भारत सरकार डिफेंस को और मजबूत करने के लिए कई तरह के प्लान बना रही है। अब सरकार ने तीन बड़ी डील की है। रक्षा मंत्रालय ने तीन बड़ी डील 5,400 करोड़ रुपए में की। इससे भारत का डिफेंस और मजबूत होगा। 3,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी डील भारतीय आर्मी के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ की गई, जिसके तहत एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट तैयार किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से दो अन्य बड़ी डील BEL के साथ की गई है। 2,400 करोड़ रुपए की इस डील में ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर की खरीद की जाएगी। वहीं सरकार के दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम की खरीद होगी, जिसके कुल 412 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इतना ही नहीं, ऑटोमेटिक एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर भारतीय सेना के वायु यूनिट्स को और मजबूत बनाएगी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत डिफेंस को मजबूत बनाएगी। आकाश तीर भारतीय सेना के युद्ध क्षेत्रों पर निम्न स्तर के हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम होगा और ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को प्रभावी रूप से नियंत्रित भी करेगा। ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम भारतीय नेवी के हेलीकॉप्टर के लिए तैयार किया जा रहा है। ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद समुद्रिका योजना के तहत डेवलप और डिजाइन किया जाएगा। इस योजना के तहत 3 साल में करीब 2 लाख नौकरियां पैदा होंगी। दोनों योजनाओं में MSME समेत भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित उद्योग की भागीदारी, जो कि प्रोत्साहित करेगा, जो कि BEL के उप विक्रेता है। फिलहाल ये डील करना चर्चा का विषय बना हुआ है।